एक जिम दे संचालक दा बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया। चाकू दे नाल जिम संचालक नू बुरे तरीके नाल मौत दे घाट उतारिया गया। 3 तों 4 बदमाशां ने जिम संचालक दे उत्ते हमला कीता अते कुल 17 वार उस दे शरीर दे उत्ते कीते गए, जिस दे कारण जख्मां दी ताब ना चलदिआं उसकी मौत हो गई है। तां दस्सदी है कि बेहद ही हैरान कर देने वाला यह मामला सामने आया। शरेआम एक जिम संचालक का बेरहमी के नाल कतल किया गया है। तां दस्सदी है कि जो जिम का संचालक सी उसके खिलाफ 2015 च एक कतल की कोशिश का मामला दर्ज होया सी। ते इस मामले च दिल्ली कोर्ट वालों उसनू जमानत दी गई सी। तां जमानत के उत्ते यह संचालक चल रहा सी। ते हुण इस दी बीते दिनां कहा जा रहा है कि एक थां दे उत्ते जिथे खड़ा सी उत्थे 3 तों 4 मुंडिया दे नाल बहस हो जाती है। तो बहस इस कदर वध जाती है कि उन्होंने वालों चाकुआ दे नाल इस जिम के संचालक के उत्ते हमला कर दिता जाता है, जिस दे कारण ये लहू लुहान हो जाता है, धरती से डिग जाता है। तो इसनू लोगों के वालों जदों हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जाता है तो उत्थे जाके इसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मौके के उत्ते पुलिस पहुंची है तो मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। दिल्ली के भजनपुर इलाके की एक घटना दसी जा रही है, जिथे कि एक जिम संचालक का बेरहमी के नाल चाकू मार मार के कतल कर दिता गया। हालांकि दस दिए कि जो जमीन सी उत्थे दी बिल्कुल ही खून दे नाल सन्नी हुई नज़र आई है। हालांकि तस्वीर अपने आप दे विच काफ़ी हैरान कर देने वाली ने, क्योंकि काफ़ी डूंघे जख्म जो ने वो चाकुआ दे नाल दिते गए सी। ते इस तो बाद दे विच कहा जा रहा है कि जदों इस संचालक नू हस्पताल दे विच लैके जाया गया उत्थे जाके इसकी मौत हो गई। तो दिल्ली के भजनपुर इलाके तो यह मामला सामने आया। फिलहाल मौके पर परिवारक मैंबर पहुंचे ने ते इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। उत्थे ही परिवार का रो रो के बुरा हाल है। तो इस जिम संचालक की उम्र करीब 30 साल दसी जा रही है। मैं ड्यूटी ऑफ करके आया, मेरे को सडनली पता चला कि किसी ने उसको चाकू वाकू मार दिया और उसको जग प्रवेश में लेके गए हैं। तो मैं गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करके बाइक लेके यहाँ आया हूँ। तो यहाँ आया तो पता चला कि उसको मृत घोषित कर दिया इन्होंने। कितनी उम्र है? अराउंड 30 होगी सर जी। क्या काम करते थे? इनका फाइनेंस का काम था सर और जिम का काम था अपना। किसी से कोई रंजिश हो या कोई कहीं से कोई कॉल आई? ऐसा कुछ नहीं सर। जानकारी के लिए बताइए भाई। नहीं सर, ऐसा हमारे तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, हुई कहाँ की वारदात भाई? ये पार्क के पास ही हुई है सर, चौधरी हंसराज पार्क है ना, उसके जस्ट पीछे ही। अच्छा, रहते भी वहीं हैं? ये रहते हैं 5 पुश्ते पे ऊपर ही, मदर डेयरी के बिल्कुल बराबर में। ऐसे तो नहीं कह सकते सर। कितने लोग से कुछ जानकारी मिली? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। चाकू मारे? ये जो पुलिस वालों से पता चला कि 16 चाकू लगे हैं उसको। रात में एक इंसिडेंट हो गया 11:30 बजे, एक लड़के को चाकू लगा। जो मरने वाला है इनका नाम सुमित है, उम्र 28 साल, टूर एंड ट्रैवलर, जिनका जिम चलाते हैं यहाँ पे। जो अभी लोकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में पता लगा है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, कि यहाँ बैठे हुए थे बाहर अपने दोस्त के जानकार के घर के बाहर गली में, और 2-3 लड़कों के साथ इनकी कहा सुनी हुई, और फिर उसके चाकू से इनके ऊपर वार किया गया। काफ़ी सारे चाकू लगे इनको। पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली पता लगे कितने इंजरीज है। हॉस्पिटल लेके गए थे जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल, वहाँ पे ब्रॉड डेड थे। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 3 या 4 लड़के के होने की संभावना है। शाम तक इसको वर्कआउट करें। क्या डिसीज की किसी से कोई दुश्मनी थी, रंजिश थी? अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे निकल कर आएगा उस हिसाब से।